सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी इस वक्त कुछ कह रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, आइए सुनते हैं। और अभी हम लोगों को सबको सूचना मिली है कि तमाम कांग्रेस राज्यों में 9 सिलेंडर जलाए जाएंगे। तो ये तो हमने पहले भी कहा था कि जब जब इस तरह की घटनाएं सरकार के सामने आती हैं तो कुछ कठिन निर्णय तो लेने ही पड़ते हैं। मैं अब यहाँ बताना नहीं चाहती, जब युद्ध हुआ है, जब बांग्लादेश से शरणार्थी भारत में आए थे, जब जब ऐसे मौके आए हैं देश के इतिहास में, जब परिस्थितियां मुश्किल हुई हैं, तो देश के सब लोगों ने मिलकर एक साझा प्रयास किया है देश को उस कठिनाई से बाहर निकालने का। पहले दिन भी हमने ये कहा था कि केंद्र ने अपनी कठिनाइयां, अपनी मुश्किलात रखी है सबके सामने, अलायंस पार्टनर्स के साथ, दूसरों के साथ, और अब मुख्यमंत्रियों को भी जुड़ना पड़ेगा ताकि ये बोझ लोगों पर कम किया जाए। जो टैक्स यहाँ 10 पैसे केंद्र में मिलता है, 90 पैसे स्टेटों को जाता है। तो अगर 10 पैसे सिर्फ केंद्र को मिलता है तो कुछ स्टेटों को 90 पैसे में से लोगों को राहत दिलाना अनिवार्य हो जाता है। तो ये एक मिला जुला प्रयास होना चाहिए क्योंकि ये देश के लिए अनिवार्य। लेकिन सरकार ने ये फैसला किया है कि 9 सिलेंडर दिला जाएंगे, क्या अब ये माना जा सकता है कि सेंटर कोई ऑप्शन नहीं कर रहा रोल बैठक? देखिये, ये अभी आपको मालूम है लंबी विस्तार से बैठक हुई कोर ग्रुप की, वहाँ सोनिया गांधी जी और प्रधानमंत्री वहाँ शरीक थे, तभी इस बात को तय किया गया। और सोनिया जी ने खुद मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर ये कहा है कि लोगों को राहत पहुंचानी है तो उन्होंने तुरंत 3 सिलेंडर और जोड़ने का अपने आप से उसमें सब्सिडी देने का फैसला किया है। तो ये बात तो तभी आगे बढ़ती है जब ये निर्णय जो सरकार ने लिया था, कठिन निर्णय था, हम लोगों को परेशानी देता है लेकिन जरूरी है। लेकिन ममता के समर्थन वापस लेने के बाद उसकी भरपाई कैसे करेगी सरकार? कहा जा रहा है कि सरकार अब खतरे में है। देखिए, कौन कह रहा है सरकार खतरे में है? पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने तो ये कहा नहीं, ना कांग्रेस की कोर ग्रुप की बैठक के बाद चिदम्बरम जी ने आपसे ये कहा कि सरकार खतरे में है, किसी को मैंने नहीं कहते सुना। खतरा कहाँ से? नंबर देखो, नंबर तो कांग्रेस को समर्थन मिलता रहा है, हर दफा अहम कोई निर्णय यूपीए सरकार 1 या यूपीए सरकार 2 ने कोई भी अहम मुद्दों पर कठिन निर्णय लिए हैं तो सांसद जुड़ते हैं। हर दफा उन निर्णयों को हम आगे ले, बेशक वो न्यूक्लियर का हुआ हो या और भी निर्णय हुए हों, तो संख्या तो मिलती है।